गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के मैथ्स का एक्सरसाइज 8.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस ले रहे हैं। सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, प्रॉफिट कैसे हुआ, उसको कितना लॉस हुआ, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का, दैट इज देखिए इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है आपको। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज रुपीज 15,500 एंड रुपीज 450 स्पेंट ऑन इट एंड रुपीज 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स इफ इट सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। सॉल्यूशन देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है। कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है आर्टिकल की 15,500, 450 रुपीज आपने उसकी रिपेयरिंग पे लगा दिए, देन उसको आपने सोल्ड किया उसी आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पे। आपको सेलिंग प्राइस बतानी है। देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी आर्टिकल की, खरीदा आपने कितने में कोई आर्टिकल, 15,500 रुपीस में, ओके। देन आपने उसको रिपेयर करवाया, कुछ उसमें फॉल्ट वगैरह था तो रिपेयरिंग की हुई उसकी, उस पर आपका खर्चा आया रुपीज 450। तो आपने टोटल जितने पैसे तो उसके ऊपर क्या कर दिए, खर्च कर दिए। सो टोटल कॉस्ट प्राइस है जो आर्टिकल की वो कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 15,500 प्लस 450, इट कम्स आउट टू बी 0,5, 5 प्लस 4, 9, 15,950 रुपीज। अब देखिए उसने क्या बोला, इतना तो उसने उस पर खर्चा किया, अब उसने उसको बेच दिया, बेच के उसको 15% का प्रॉफिट हुआ। मीन्स इफ कॉस्ट प्राइस, लेट कर लो आप, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रुपीज 100, अगर आपके पास 100 कॉस्ट प्राइस है तो आपको प्रॉफिट करना है 15%, मीन्स आप 15 रुपीज इंक्रीज करके दोगे उसको, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, देन सेलिंग प्राइस इज रुपीज 100 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 150। आपको अपना प्रॉफिट देखना है, 15 रुपये आप प्रॉफिट कमा रहे हो। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रुपीज, अगर अब कॉस्ट प्राइस 1 है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 115 अपॉन 100। अब कॉस्ट प्राइस हमें कितनी गिवन है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज, फॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रुपीज 15,500, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी अब आर्टिकल की, 115 अपॉन 100 इंटू 15,500, 0 से 0 कैंसल, इट कम्स आउट टू बी 155 इंटू 115, 5 5 7 2 7 5 5 1 1 5 5 5 7 plus 5 2 7 plus 5 5 10 17 18 5 6 7, it comes out to be 17,825 rupees। ओके, क्लियर है आपको क्वेश्चन। देखिए इसमें कॉस्ट प्राइस हमें गिवन थी, ठीक है, रिपेयरिंग की कॉस्ट दे रखी है, देन आपको सेलिंग प्राइस पता है कि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट के बाद आपको क्या लेना था, प्रॉफिट के बाद हमने सेलिंग प्राइस देखी उसकी 150 आई,
अब कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तब सेलिंग प्राइस इतनी है, अगर 1 है तो सेलिंग प्राइस इतनी है, और अगर 15,500 है तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, इतनी। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई तो चेक कर लेना, वैसे तो ठीक है। 5 5 25 टू कैरी 27, 2 5 5 टू 7, देन 1 5 5, देन 1 5 5 5, 7 + 5 12, 18, 5 6 7। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास। नाउ टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ बीसीआर एंड टीवी। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, अ बीसीआर एंड टीवी बर्बाउट 4 rupees 8,000 ईच। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी। फाइंड गेन और लॉस परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन। अब देखिए इसमें क्या है, आपके पास दो आर्टिकल्स हैं, दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी गिवन है हमें, 8,000 रुपीस। शॉपकीपर ने वीसीआर को जब बेचा तब उसको लॉस हुआ 4% का, और टीवी को बेचने भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। हमें देखना है कि ओवरऑल उसको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे, देखिए वीसीआर की कॉस्ट भी कितनी है 8,000, टीवी की कॉस्ट भी कितनी है 8,000, तो टोटल कॉस्ट प्राइस है जो बोथ आर्टिकल्स की, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, बीसीआर की भी 8,000 टीवी की भी 8,000, इट कम्स आउट टू बी ₹16,000। अब देखिए अगेन वही, लेट कॉस्ट प्राइस, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, वीसीआर की, क्योंकि वीसीआर पे उसको लॉस हो रहा है। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर इज ₹100, अगर इसकी कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, क्योंकि उसको क्या हो रहा है, अब लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस होने पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने परसेंट का लॉस है, 4% का, 100 - 4 इट कम्स आउट टू बी 96। अब अगर कॉस्ट प्राइस है जो वीसीआर की वो रुपीस कितने हैं, 1 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 96/100। अब कॉस्ट प्राइस इंडिविजुअली तो दोनों की कॉस्ट कितनी है, 8,000, तो जब वीसीआर की कॉस्ट आपकी 8,000 है तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 96/100 इंटू 8,000 इट कम्स आउट टू बी 8 6 48, 4 कैरी, 9 8 72, 72 + 4 दैट इज 76, इट कम्स आउट टू बी दिस इतने रुपीज। ठीक है, नाउ अगेन आपके पास प्रॉफिट हुआ है टीवी के ऊपर कितना, 8%। सेम प्रोसीजर है, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज ₹100, तो उसको अपना प्रॉफिट करना था तो उसने 8% का प्रॉफिट लिया, देन सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू 100 + 8 विच कम्स आउट टू बी 108। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज ₹1, देन सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज 108/100। इफ अब हमें गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज रुपीज कितना है, 8,000, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू 108/100 इंटू 8,000, देन इट कम्स आउट टू बी 8 8 64 8 1 8, इट कम्स आउट टू बी 8 6 40 रुपीज। तो अब उसको टोटल जो
कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी हुई? 16,000, जो उसने प्रॉफिट और लॉस करने के बाद बेच के उसकी जो सेलिंग प्राइस बन रही है वो कितनी बन रही है? सो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स, दोनों आर्टिकल्स के लिए उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 7,680 प्लस 8,640, इट कम्स आउट टू बी 0,8 प्लस 4 12, 6 प्लस 6 12 1 13, 1,8 प्लस 8 16, इट कम्स आउट टू बी 16,320 रुपीज़। मीन्स जो सेलिंग प्राइस है उसकी ज़्यादा है, जो उसके बेचने का कीमत है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट प्राइस। सो उसको क्या होगा ओवरऑल ट्रांजेक्शन में? प्रॉफिट होगा। इट मीन्स सो प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास अब? सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आई राइट डाउन हियर, ठीक है? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी आई है? 16,320 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 16,000, इट कम्स आउट टू बी 320 रुपीज़। एंड हमें क्या देखना है? परसेंटेज निकालनी है। सो गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इट्स फॉर्मूला इज दिस। गेन कितना है? 320, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 16,000 इंटू 100, कैंसल आउट, कैंसल आउट, 16,2% उसको क्या हो रहा है ओवरऑल? प्रॉफिट हो रहा है। इट कम्स आउट टू बी 2%। क्लियर है क्वेश्चन आपको? नेक्स्ट है आपके पास, चलो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।